ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज के मधु मुरली 17/7/2023। मीठे बच्चे, अभी तुम बाप, टीचर, सदगुरु तीनों के सम्मुख बैठे हो। बाप की यही कृपा है जो टीचर बन तुम्हें पढ़ा रहे हैं, सदगुरु बन साथ में ले जाएंगे। प्रश्न, तुम बच्चों का बाप से कौन सा वायदा है, तुम्हारा कर्तव्य क्या है। उत्तर, बाप से वादा है, बाबा हम आपसे जो कुछ सुनते हैं वह दूसरों को भी अवश्य सुनाएंगे। आप समान बनाएंगे हमारा कर्तव्य है बाप समान सबको पढ़ाना, क्योंकि अभी बुद्धि का ताला खुला है। जैसे हम वर्षा ले रहे हैं ऐसे रहें दिल बन दूसरों को भी वर्षा दिलाना है। गीत, ले लो दुआएं माँ बाप की। ओम शांति। अभी बच्चे माँ बाप के सम्मुख बैठे हुए हैं अथवा बच्चे स्कूल में टीचर के पास बैठे हुए हैं। बच्चे जानते हैं हम सदगुरु के पास भी बैठे हैं ज्ञान सुनने के लिए। ज्ञान सागर तो बाप ही है, जानते हैं वह परम धाम से पधारा हुआ है हमको शिक्षा देने। आज के मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट, तुम्हारी बुद्धि परम धाम स्वीट होम तरफ लगी हुई है। भल पढ़ाते तो यहाँ ही हैं, मात पिता सम्मुख बैठे हैं। दूसरी पॉइंट, बुद्धि योग अथवा याद निर्वाण धाम तरफ ही है, हमको बाप के साथ घर जाना है। तीसरी पॉइंट, विष्णु के घर आएंगे, वह भी घर है यह भी घर है, श्री कृष्णपुरी ससुर घर जाना है। चौथी पॉइंट, याद उनको करना है, माँ बाप कन्या को लायक बनाते हैं ना, ससुर घर जाएगी तो माँ बाप का सो करेगी कि बच्ची तो बड़ी अच्छी सुलक्षणी है। पांचवी पॉइंट, अभी तुम जानते हो हम परमपिता परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं पढ़ रहे हैं। बाप बच्चों पर बहुत मेहनत करते हैं, यह है उनकी कृपा। छठवीं पॉइंट, मनुष्य तो यह जानते नहीं कि राधे कृष्ण अगले जन्म में कौन थे, यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। सातवीं पॉइंट, नर से नारायण व बेघर से प्रिंस बनाने का वर्षा बाप बगैर कोई दे ना सके। आठवीं पॉइंट, यहाँ इस कॉलेज में तुम प्रिंस प्रिंसेस बनते हो, जानते हो भविष्य नए विश्व का प्रिंस प्रिंसेस बनने लिए हम पढ़ रहे हैं। नए विश्व को सतयुग कहा जाता है, सतयुग में अथवा कलयुग में होंगे तो मनुष्य ही ना। नवीं पॉइंट, यह कोई मनुष्य नहीं पढ़ते हैं, परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है वह पढ़ा रहे हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां सब सुन रहे हैं, सुनकर फिर औरों को सुनाते हो। दसवीं पॉइंट, बाबा ब्रह्मांड का मालिक है, तुम भी ब्रह्मांड के मालिक थे, जिसको परम धाम निर्वाण धाम मूल वतन आदि कहते हैं। यह सब नाम हैं, मूल वतन सोच वतन स्थूल वतन, ये सामने चक्र फिरता रहता है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, पढ़ाई में माता पिता को फॉलो करना है, खुशी में रहना है कि ऊंचे ते ऊंचे धाम से भगवान हमें पढ़ाने आते हैं। दूसरी पॉइंट, अब हमें वापस स्वीट होम जाना है, इसलिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, देह सहित सब कुछ भूल जाना है। वरदान है आज का, आवाज़ से परे श्रेष्ठ स्थित में स्थित रहे, शांति की शक्ति का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। आवाज़ से परे रहने श्रेष्ठ स्थित सर्वव्यक्त आकर्षणों से परे न्यारी और प्यारी शक्तिशाली स्थित है। एक सेकंड भी इस श्रेष्ठ स्थित में स्थित हो जाओ तो उसका प्रभाव सारा दिन कर्म
करते हुए भी संयम में विशेष शांति की शक्ति का अनुभव करेंगे। इसी स्थिति को कर्मातीत स्थित भाव समान संपूर्ण स्थित कहा जाता है। यही मास्टर बीज रूप मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थित है। इस स्थित द्वारा हर कार्य में सफलता का अनुभव होता है। स्लोगन है आज का, महान आत्मा वह है जिसका हर बोल महावाक है। ओम शांति।